तो महाराष्ट्र से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और इसी दौरान इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, पिछली सरकारों का भी जिक्र किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने बताया अपने संबोधन में कि महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं के लिए कितने सारे अवसर आज की तारीख में हैं, जो पिछली सरकारों के दौरान महिलाओं को ये अवसर नहीं मिलते थे। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम भी रोशन कर रही हैं और आगे आने वाले समय में विकसित भारत जब बनेगा, विकसित राष्ट्र का जो हमारा संकल्प है वो जब पूरा होगा तो उसमें महिलाओं की भूमिका भी अहम होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का आज जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि दो दिन पहले इन परियोजनाओं के लिए पुणे आना था, लेकिन बारिश के चलते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है और इतने विकास कार्यों के लिए भी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने सभी को दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पुणे जिस गति से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या का भी दबाव है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विज़न की भी कमी रही है पिछले सरकारों के दौरान, क्योंकि पुणे में जो मेट्रो बनाने की बात है वो साल 2008 में शुरू की गई थी लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई साल 2016 में। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार जो है वो 8 सालों में एक पिलर तक खड़ा नहीं कर पाई है मेट्रो के लिए और आज पुणे मेट्रो जो है वो लगातार रफ्तार भर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने निवेश का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि निवेश के जरिए नौकरी पैदा होगी, विकसित भारत तक पहुंचने के लिए कई सारे पड़ाव हैं और उन सभी पड़ावों को मिलकर के पार करने की ज़रूरत है, विकास का लाभ जो है हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए और समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महिलाएं उठाती हैं तो क्या हो सकता है, महाराष्ट्र की धरती इसकी साक्षी है। तो प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल यहाँ खोला गया और इस विरासत को संजो कर रखना है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और क्या कुछ बड़ी बातें कही वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्ष्यों की जरूरत है, बड़े लक्ष्य होने चाहिए, नए संकल्प भी होने चाहिए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में। हालांकि विकास की जो रफ्तार है वो लगातार तेज है महाराष्ट्र में। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि महायुति की सरकार शहरों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है लगातार, पुणे मेट्रो का तेजी के साथ विस्तार हुआ है और साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो है वो 8 साल में एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, तो महायुति सरकार जो है वो शहरों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन कदमों का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में किया। साथ ही पुणे मेट्रो का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि तेजी के साथ विस्तार हुआ है पुणे मेट्रो का, 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब इसको और आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। हालांकि साल 2008 में पुणे में मेट्रो बनाने की बात हुई थी लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई साल 2016 में और 8 साल में पिछली सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई, वहां पर एक पिलर भी नहीं खड़ा कर पाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिटकॉइन औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से भी कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, निवेश की भी बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है जिससे कि आने जाने में दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम सब विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे, 2047 का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर किसी व्यक्ति के हर किसी क्षेत्र की अपनी भागीदारी महत्वपूर्ण है। और इसी पर हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। योगेश, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया लेकिन जो मुख्य तौर पर बात रही वो रही प्रधानमंत्री की महिलाओं और बेटियों को लेकर के, कि कई सारे क्षेत्र पहले ऐसे थे जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं।
देखिए, महिला, युवा, किसान, गरीब जो चार बेसिकली जो पिलर है जिसको सरकार ये लेकर चल रही है, और कई मौकों पर इस बात को कहा भी गया है, चाहे वो बजट में कहा गया हो या नरेंद्र मोदी खुद कई मौकों पर कहे हो, उसकी एक उसका प्रतिबिंब कह सकते हैं वो आज के भाषण में भी झलका। जो एक तो महिला की बात बिल्कुल आपने सही कही, वो एक केंद्र बिंदु रहा अगर पूरे भाषण को अगर सारांश में देखें, संक्षेप में देखें। इसके साथ ही विकास भी और विरासत भी, ये जो सरकार ने एक मंत्र दिया था और जिसको एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड लेकर सरकार चल रही है, जैसे सबका साथ सबका विकास है, कई ऐसी चीज़ें जिसको लेकर सरकार ने कई बार कहा है कि सरकार इन सब चीज़ों को केंद्र में लेकर ये सरकार चलेगी, तो विकास और विरासत भी और इसमें महिला जुड़ी हुई थी। महिलाओं का जिक्र करें तो निश्चित तौर पर कई सारी जो चाहे वो नेवी हो, चाहे वो डिफेंस हो, मिलिट्री स्कूल्स हो, एनडीए हो, जहाँ पे महिलाओं का दाखिला पहले नहीं था या कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के साथ साथ विरासत की बात करें तो चाहे वो सावित्री बाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, जो वहाँ पे भिलेवाड़ा में स्कूल चलाया था, स्कूल शुरू किया गया था, पहला स्कूल था महिलाओं के लिए, उस वक्त की बात जब महिलाओं को की पढ़ाई जो है उस पर कई तरह की बंदिशें थी जी। उस स्कूल को लेकर वहाँ पे स्कूल पे एक जो मेमोरियल है उसका उन्होंने उसकी आधारशिला रखी, नींव रखी। तो विकास भी और विरासत भी, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा अगर आप प्रधानमंत्री के पूरे आज के कार्यक्रम को देख ले तो। इसके अलावा विकास की बात अगर करें तो सोलापुर का जो हवाई अड्डा है वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि जो पूरा पंढरपुर का विठल रुक्मिणी का जो अगर आप गैदरिंग देखेंगे उस वक्त जब ये पूरी पालकी जाती है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, स्पेशल ट्रेन्स को रन करना पड़ता है रेलवे को, और साथ में जो रोड के रूट्स होते हैं वहाँ एडिशनल बसेस लगाई जाती है। ऐसे में जब वहाँ पे रेलवे जहाँ पे वहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और जो कनेक्टिविटी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बता भी रहे थे कि जो टर्मिनल है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री है उनको वहाँ पे एकोमोडेट किया जा सके, उनकी जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो कन्वीनियंस हो सके। इसके अलावा जैसा भिडकिन के बारे में बात करें तो यहाँ जो औद्योगिक विकास क्षेत्र MIDC की बात करें, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें, वो महाराष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान लगाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी, निवेश आएगा, निवेश से रोजगार आएगा, रोजगार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कई सारे इसके पहलू होते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो विकास भी, विरासत भी, और खास करके पुणे के लिए जहां पे करीब 54 लाख से ज्यादा की आबादी जो है 2011 के सेंसस में थी, तब की जनगणना के मुताबिक, अभी जनगणना के मुताबिक, हालांकि अभी अगर जनगणना का कोई परिणाम नहीं है, लेकिन जो संख्या है लोगों की, जो आबादी है वो मल्टीफोल्ड हुई है, उसके हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उतने ज्यादा जो है मैग्नीट्यूड पे, उतने ज्यादा कैलिबर पे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जो पुणे का मेट्रो है बेसिकली चार भागों में, दो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, जो ये है ये लास्ट कॉरिडोर का 3 किलोमीटर का स्टेज जो था वो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर स्वारगेट था, 3.36 के अराउंड किलोमीटर का स्टेज जो कि अब तक बचा हुआ था वो आज पूरा हो गया। इसके साथ ही चरण 1 मेट्रो का काम पुणे में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके साथ ही जो दूसरा चरण है उसकी आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री ने स्वारगेट से आगे जो है कातरज वो भी रख दी। तो कुल मिलाकर आधारशिला भी और शिलान्यास भी, ये दोनों चीजें, कुछ चीजों का जो तादाद में है वो भी सरकार में दिखा, और प्रधानमंत्री इस चीज को काफी एग्रेसिवली जो है अपने भाषण में बोल भी रहे थे। जी चलिए ठीक है, आप लगातार योगेश हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस चर्चा करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर जो महाराष्ट्र में इतनी सारी परियोजनाओं की सौगात मिली है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो का शिलान्यास किया और इसी के साथ पुणे मेट्रो पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको एक बार फिर सुनाते हैं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था।
2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। और हमारे साथ में योगेश शीतल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। योगेश, पुणे मेट्रो को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो तो हमने सुनाया ही, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने पुरानी जो पिछली जो सरकारें थी उन पर भी प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2008 में मेट्रो को लेकर के शुरू हुई थी बातचीत, लेकिन उसके बाद में 8 साल के अंदर एक भी पिलर पिछली सरकार जो है वो खड़ा नहीं कर पाई। देखिए कृतिका, जो ये मेट्रो का अगर आप बात करें तो मेट्रो महाराष्ट्र में मुझे लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे भी मुद्दा ये बनेगा ही बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ पुणे नहीं है, अगर आप पुणे के अलावा मुंबई देख लें, आप नागपुर देख लें, आप नवी मुंबई देख लें, आप ठाणे देख लें, ये वो जगह है जहाँ पे मेट्रो को लेकर काम काफ़ी तेजी से चला है। अगर आप नागपुर का उदाहरण लें, महामेट्रो का ही काम वहाँ पे भी चल रहा है। 2014 में इन्होंने आधारशिला रखी थी, 2019 में उन्होंने मेट्रो चला दी, यहाँ पर ऐसे ही किया, 2016 में इन्होंने शुरू किया और उसके बाद चरण दर चरण जो है चलने लगी। पहला चरण का काम अभी 2024 पूरा भी नहीं हुआ और वो मेट्रो यहाँ पे ट्रैक पे दौड़ रही है। तो अगर मेट्रो की अगर बात करें, नवी मुंबई में रिसेंटली मेट्रो चलनी शुरू हुई है, ठाणे में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऑलरेडी काम चल रहा है, कभी भी जो है वो आपको खबर आ सकती है कि पीएम जो है उसका जो है वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेट्रो को लेकर, सिर्फ मेट्रो को लेकर ही नहीं, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे वो आप अटल ब्रिज देख लीजिए, चाहे वो समृद्धि महामार्ग देख लीजिए नागपुर का, आपको महाराष्ट्र का कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको बुनियादी ढांचा को लेकर कुछ बड़े काम होते हुए नहीं दिखे। छोटी मोटी सड़कें जो है वो अलग बात है, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनमें कई सारे क्लियरेंस की जरूरत होती है, एनवायरमेंट की क्लियरेंस लगती है, आपको अलग अलग एजेंसी जो उनकी क्लियरेंस लगती है। इन सब क्लियरेंस के अलावा न्यायिक ऑब्स्टेकल्स अगर कुछ क्रिएट हो गए, मान लीजिए कोई पीआईएस फाइल हो गए बॉम्बे हाईकोर्ट में या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के किसी भी बेंच में, तो आपको उस चीज को भी कंटेस्ट करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि वो चीजें डेडलाइन के अंदर हो सके, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो उसी हिसाब से छूट अप करता जाता है। तो इन सब चीजों को आपने अगर प्रधानमंत्री की कुछ चीजों को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने ये भी चीजें कहा कि लीगल चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि अगर आप सिर्फ जो अगर आप बांद्रा वर्ली सीलिंग की बात करें, एक समय नितिन गडकरी ने कहा था कि 246 के करीब पीआईएल्स फाइल हुई थी और इस वजह से पीआईएल्स का निपटारा होते होते इतना टाइम लगा कि प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट बढ़ गया। इतने चैलेंजेस के बीच में मेट्रो जैसी परियोजनाओं को चला देना और उसका शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ कर देना, ये वही समझ सकता है जो इस चीज को कर पा रहा है सरकार के अंदर। कई सारी मशीनरी हम आप दोनों जाने की कितना डिफिकल्ट होता है इन तरह बड़ी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाना। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री का जो चीज परिचित अंदाज है उस अंदाज में प्रधानमंत्री जो है हमलावर दिख रहे थे, और फिलहाल चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है तो इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से भी देख सकती है, क्योंकि पिछली चुनाव पिछले जो जो पार्टियां थी उनमें छींटा का चिकन है, ये सब चीजें तो खैर अब चलती रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की बच चुकी है। चलिए योगेश, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया महाराष्ट्र में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़े थे, और प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से रोजगार में होने वाली बढ़ोतरी को भी अपने संबोधन में रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा इसको लेकर वो आपको सुनाते हैं।
छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8000 एकड़ में बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ योगेश शीतल लगातार बने हुए हैं। योगेश, प्रधानमंत्री ने बिटकॉइन औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब निवेश आएगा तो सीधी सी बात है नौकरियां भी आएंगी, और नौकरी आएंगी तो रोजगार की जो समस्या है वो भी खत्म होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए अवसर रोजगार के युवाओं को मिलते हुए नजर आएंगे। योगेश, देखिए अगर आप उस पर्टिकुलर अगर आप क्षेत्र की बात करें, औरंगाबाद की बात करें जिसका के नाम अब छत्रपति संभाजी नगर है, ये और जालना, ये दो ऐसे जगह हैं जहां पे पिछले कुछ सालों में ड्राईपोर्ट का निर्माण हो रहा है और ये वो रास्ता है जहां से दो चीजें, एक तो समृद्धि महामार्ग है और साथ में वंदे भारत ट्रेन भी कनेक्टिविटी हुई है। इस क्षेत्र पे सरकार ज्यादा जोर क्यों दे रही है, मैं पहले इस पे आता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया से होके जाती है, जो इंडस्ट्री वहां पर बनेगी, क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर सरकार का फोकस शुरू से रहा है। खासकर सरकार ने भी कहा था कि आधुनिकीकरण होगा लेकिन हम अपनी विरासत को आइडेंटिटी करके ही करेंगे और उनकी जरूरतों के हिसाब से करेंगे। तो एक तो वहां पे जो ऑरिक सिटी का देवेंद्र फडणवीस का बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि उनकी परिकल्पना थी, उनकी उन्होंने ऐसा सोचा था। ऑरिक सिटी को लेकर ये चीजें हुई थी कि औरंगाबाद को लेकर जो छत्रपति संभाजी नगर है वहां पे इंडस्ट्री को ज्यादा बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उसकी कनेक्टिविटी होगी, साथ में उसकी अवेलेबिलिटी अच्छे से होगी और साथ में जो पूरा विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र है वहां पे जो है विकास काफी तेजी से होगा। मुंबई ठीक है, मुंबई से सटा नवी मुंबई है, ठाणे है, पालघर है, ये सब इलाके, पालघर का इलाका तो गुजरात से सटा हुआ आता है, कई सारे एडवांटेज वहां पे हैं। इन क्षेत्रों में उतने एडवांटेज नहीं है जो कि जरूरत होते हैं किसी बड़े उद्योग को लेकर। ऐसे में उद्योगों को जरूरत होती है सस्ती जमीन की, सरकार की तरफ से सस्ती मदद की, प्रोत्साहन की, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा खाका तैयार किया गया और उसी के तहत जो है ये जो आज का कार्यक्रम है वो हुआ है और वहां पे जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत बड़े क्षेत्र में है। बिल्कुल जी, बताएं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस मिनट में इतना ही, मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।